सो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे टाइटन के टीकेएस नीज लिफ्ट्स का, और इसको मैं पिछले 2 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, तो 2 मंथ में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इसके साथ। और इस पर मैंने वैसे एक नेशनल्स भी खेला जो कि राजस्थान में हुआ था, तो 2 प्रैक्टिस मैंने जिम में किया, उसमें डायरेक्ट मैं ऑन स्टेज ही इसको पहना क्योंकि टाइम बचा नहीं था। तो क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि पहले मैं प्रो गोल्फ का यूज़ कर रहा था, एटलीस्ट आई थिंक 1 साल 1.5 साल से मैं प्रो गोल्फ यूज़ कर रहा था, उसके बाद फिर मैं टाइटन पे आ गया। तो क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा इस पर शिफ्ट होने के बाद, एंड ऑन स्टेज मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एक लिफ्टर हो या फिर आप बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग करते हो, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, खास करके अभी जिस हिसाब से गर्मी है उस हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा बॉडी स्वीट करती है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हो। तो उस टाइम पर आपको एक EAA ऐड कर लेना चाहिए ड्यूरिंग वर्कआउट में। आप वर्कआउट करते टाइम इसको बीच में ऐड कर सकते हो, इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसकी पर स्कूप में आपको मिलता है 8.6 ग्राम EAA, 5 ग्राम BCAA एंड 510 mg मसल हाइड्रेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसमें अलग से ऐड किए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए। तो आप जाओ इसको एक बार वेबसाइट से ऑर्डर करो, और मेरा कूपन कोड जरूर यूज़ कर लेना जो कि है FUPSIDE10। आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, मुझे छोटा सा सपोर्ट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो जब आप TKS लोगे तो इस तरह से कुछ ऐसे पाउच में आता है ये, ठीक है? और एक चीज़ मैं बताऊँ इस पाउच के बारे में कि पाउच मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा, खास करके जैसे गेम वेम में जाता है ना आदमी, तो इसको गंदा नहीं होने देता है, एंड आपको रखने में भी इसको काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, खास करके कैरी करने में। तो एक चीज़ मेरे को ये पाउच देने का जो रीज़न था अच्छा लगा मेरे को। इस तरह से कुछ आपका ये पाउच ओपन होता है, और ये है आपके कुछ स्लिप्स पेयर है। और एक और चीज़, आपको इसके साथ साथ एक मैनुअल गाइड भी मिलेगा, इसमें आपको किस तरह से इसको पहनना है ये भी लिखा हुआ है। एंड अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे इसका साइज़ गाइड है, जो कि आपको नी का साइज़ लेके आप सेंटीमीटर इंच में आपको पता चल जाएगा कि नी का आपका जो साइज़ है उस हिसाब से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, कौन सा साइज़ आपके लिए बेटर है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टिफ होता है, देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा ये स्टिफ होता है। तो इसलिए अगर आप कोई भी ओवर साइज ले लोगे या छोटा ज़्यादा ले लोगे, तो अगर आप बिगनर हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि जल्दी नहीं चढ़ता, हम लोग से भी जल्दी नहीं चढ़ता है, तो आपसे कैसे चढ़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको नी स्लिप्स के बारे में ये बता दूँ कि 3 तरह के ऐसे नी स्लिप्स बेसिकली यूज़ हो रहे हैं पावर लिफ्टिंग में। एक तो Grade 3 का, जो कि आपका USI वाला या कोबो वाला जो सस्ता आता है, 2500-3000 के आसपास आता है, वो आता है, उसकी साइज़ भी थोड़ी छोटी होती है, लेकिन होता वो भी 7 mm ही है। और एक Grade 2 का जो होता है, जो प्रो गोल्फ वाला आ गया, या फिर SBD का जो 7000 वाला है, वो भी Grade 2 का ही है, उस लमसम में जो भी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और ये आपका Grade 1 का होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टिफ होता है। इसका अगर आप कंपटीटर देखोगे, कंपैरिजन करोगे, तो इसके कंपैरिजन में एक इंजर वाला जो आता है, इंजर एक्सट्रीम, वो इसके कंपेयर में है, और कोई इसके आसपास नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्टिफ होता है। और एक और चीज़ आप इस पर ध्यान से देखना, इसका यहाँ कर्व देख रहे हो आप, ये जो कर्व दिया हुआ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आपके थाई का साइज़ जो है उस हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाता है, जिससे आपको जंप मिलता है, बिल्कुल ही मिलता है। और तो ये आपका कुछ नी स्लिप्स हुआ, यहाँ पे आपका TKS का ब्रांडिंग है, नीचे टाइटन का ब्रांडिंग है, एंड अंदर के साइड में आप देखोगे यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो शायद, यहाँ पे आपका इसका ब्रांड का है, मेड इन चाइना है, ऑफकोर्स मेड इन चाइना है, ये यहाँ नहीं बनता है। और इंजर वाला आई थिंक मेड इन अमेरिका या जर्मन है, दोनों की प्राइस मैं बता दूँ मैं, तो जो आपका इंजर वाला है, अगर उसका वेबसाइट लोगे तो वेबसाइट से वो कुछ सस्ता है, लेकिन यहाँ इंडियन मार्केट में अगर आप लोगे तो इंडियन मार्केट में आपको उसका प्राइस 15,000-15,500 के आसपास है, मैंने पूछा था इसको लेने के टाइम पे। और दूसरा इसका जो प्राइस है, ये प्राइस आपको 12,500 का मिलता है, इसके प्राइस रेंज में 11,000 के आसपास आई थिंक SBD वाला जो आता है, SBD का वो लिमिटेड एडिशन, वो ग्रे कलर वाला, वो भी आता है, लेकिन वो मैंने वैसे यूज़ किया नहीं है तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि इसके जितना स्टिफ वो नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका नी स्लिप्स है ये सिर्फ यहाँ पे यूज़ नहीं होता, ये इंटरनेशनली
यूज़ होता है ये वाला और इंजर वाला, आप देखोगे जितने भी IPF ऑफिशियल एशियंस गेम होते हैं या वर्ल्ड गेम होते हैं उस पर भी यूज़ होता है, खास SBD भी यूज़ होता है ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन इसकी जो स्टिफनेस है वो उसके आसपास की नहीं है। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैं एक वीडियो चला दूंगा, यहाँ पे मैं नेशनल्स का ये मेरा सेकंड लिफ्ट था जो कि 240 kg का था। तो ऑफकोर्स आपको जंप तो मिलता है अगर आप अगर आपका स्क्वाट्स का जो पोजिशन है अगर आप उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब किए हुए हो, और अगर आप इंटरमीडिएट या एडवांस एथलीट हो जो कि आपको बिल्कुल कंफर्टेबल आपके स्क्वाट्स का टाइम है, क्योंकि कंफर्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्क्वाट्स के लिए, अनरैकिंग एंड कंफर्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस टाइम पे आपको ऑब्वियसली जंप मिलेगा। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, और अगर आप ऐसा कोई अभी डिस लिफ्ट लेने का प्लान कर रहे हो तो मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि अगर अभी आप बिगनर हो, आप अभी जस्ट लिफ्टिंग में आ रहे हो, या अभी नया नया आपने लिफ्टिंग शुरू किया है, या पावर लिफ्टिंग आपने कहीं से वीडियो देख के या आजकल वायरल हो रहा है बहुत सारे वीडियो उसको देख के आपको शौक आया, तो आप ऑब्वियसली आप आओ, इसमें बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अब तो बहुत सारे सोर्स हैं, आप आराम से आओगे, और बहुत सारा अब आगे भी जाके आपके लिए फैसिलिटीज़ आ रही हैं, खासकर गेम भी इम्प्रूव हो रहा है, फेडरेशन भी इम्प्रूव हो रहे हैं, बहुत सारे फेडरेशन भी आ चुके हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अभी आप अगर नए नए हो तो आप ग्रेड 2 का कोई भी निस लिफ्ट ले लो, वुल्फ का ले सकते हो, हैक का ले सकते हो, आप 1RM का ले सकते हो, इन सब 5000 के आसपास के रेंज का जो भी निस लिफ्ट है आप उसको ले सकते हो, क्योंकि अभी आप आपका अर्निंग का भी सोर्स होगा नहीं, तो आप अचानक से इतना ज़्यादा पैसा मत लगाओ इसमें। और एक और दिक्कत है इसके साथ, अगर आप इसको लोगे ना तो इसको पहनने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, और अगर आप ज़्यादा बड़ा साइज का ले लोगे कि पहनोगे आसान से तो उसको जंप नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी आपको, अगर आपका बजट है तो आप लो, अभी आप नए हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, मेरा यही सजेशन रहेगा आपको। तो आई थिंक मैंने सारे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थे वो सारे कवर कर दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी आपका रह गया हो तो आप नीचे कमेंट में मेरे को पूछ सकते हो, कोई वीडियो का सजेशन हो या कुछ मैं इम्प्रूव कर पाऊँ अगर आपको लगे तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, और इंस्टा में मेरे साथ आप जुड़ सकते हो, इंस्टा में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा Q&A वगैरह भी मैं करते रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।